हेलो जी वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी स्टेबल डिफ्यूजन की स्टेबल डिफ्यूजन एक बहुत ही ज़बरदस्त ए आई टूल है जिससे आप किसी भी किस्म का आर्टवर्क कुछ सेकंड में बना सकते हैं यू डोंट हैव टू बी एन आर्टिस्ट फॉर दिस यू डोंट हैव टू नो कोडिंग फॉर दिस आप कोई भी आर्टवर्क चाहें कुछ सेकंड में बना सकते हैं तो इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की है और एक लैपटॉप की है तो जल्दी से अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर स्विच करते हैं एंड लेट्स ड्राइव इन टू इट सबसे पहले अगर आपने अपने लैपटॉप में स्टेबल डिफ्यूजन इंस्टॉल नहीं किया तो उसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ मेरे चैनल पे मौजूद है उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी तो मेक श्योर sure कि इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए स्टेबल डिफ्यूजन डाउनलोडेड होना ज़रूरी है बट वंस यू हैव डाउनलोडेड हमें स्टेबल डिफ्यूजन के डिफरेंट मॉडल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे अब मॉडल्स क्या होते हैं मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करें और उसमें आप लोग टाइप करके इस वेबसाइट पर जाएँ सिविट ए आई डॉट कॉम ठीक है तो आपको स्टेबल डिफ्यूजन यूज़ करने के लिए मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती है अब हर स्पेसिफिक मॉडल एक खास डाटा सेट के ऊपर ट्रेंड होता है तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट हैं तो आपको वो स्पेसिफिक मॉडल उठाना पड़ेगा जो आर्ट के ऊपर ट्रेंड है अगर आप लोग एक आर्किटेक्ट हैं तो आपको वो वाला मॉडल उठाना पड़ेगा जो आर्किटेक्चुरल ड्राइंग्स के ऊपर ट्रेंड है तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक एनिमे वाला मॉडल उठाएंगे जिसका नाम है कोयनो कटाची no ये एक बहुत ही फेमस एनिमे मूवी है जिसपे ये ट्रेंड ये मॉडल है तो आप लोगों ने सबसे पहले इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड बटन दबाएंगे ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है इसके अलावा आपने क्या क्या डाउनलोड करना है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ अब हर मॉडल को रन करने के लिए एक चेक पॉइंट चाहिए होता है आपको चेक पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मॉडल की टाइप है लोरा तो आपको इसके लिए एक चेक पॉइंट डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है एनी लोरा तो सिंपली आप लोग यहाँ पर टाइप कर लेंगे और ये चेक पॉइंट सामने आ जाएगा आप इसको दबाएंगे अब ये चेक पॉइंट किसी भी किस्म का लोरा मॉडल रन कर लेता है तो आपने वन सेकेंड यहाँ पे डाउनलोड बटन दबा देना है फिर इसको दबा देना है ये मॉडल थोड़े बड़े साइज के हैं तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे तो यहाँ पे इसकी प्रोग्रेस हम लोग देख लेते हैं लेटर डाउन द वीडियो हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं कंट्रोल नेट तो उसको यूज़ करने के लिए आपने इस लिंक पर आ जाना है और आपने ये सेकंड लास्ट वाली फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है जो कंट्रोल नेट एस टी फिफ्टी ट्रिबल डॉट बाई टोच फाइल वंस आपने ये सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड कर ली हैं तो रियली really क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये फाइल्स प्लेस कहाँ पे करनी है तो आप लोग अपने स्टेबल डिफ्यूजन की इंस्टॉल डायरेक्टरी में आ जाएं वंस से अगर आपने स्टेबल डिफ्यूजन डाउनलोड नहीं की तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देखें उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप लोग उसके होम डायरेक्ट्री फ़ोल्डर में आ गए हैं तो आप लोगों ने जाना है मॉडल्स पे यहाँ पे आपने जाना है लोरा फोल्डर में और जो कोयन और कटाची वाली फ़ाइल हमने डाउनलोड की थी वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है इसके बाद आपने बैक आ जाना है और आपने स्टेबल डिफ्यूजन में जाना है यहाँ पे आपने जो हमने चेक पॉइंट डाउनलोड किया था एनी लोरा चेक पॉइंट वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है मैंने काफ़ी और भी डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं आपको एक दफ़ा जनरेट करना आ जाए तो आप डिफरेंट बोर्डल्स को डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हैं लेकिन फिर आपने वापस आ जाना है इसके बाद आपने कंट्रोल नेट वाली फ़ाइल अभी संभाल के रखनी है मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली exactly आपने ये कहाँ पे प्लेस करनी है जब ये फाइल्स डाउनलोड हो गई हैं और रेडी हो गई हैं तो आप लोगों ने अपना ऑटोमेटिक लॉन्च कर लेना है तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करना है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था टर्मिनल में आपने अपनी स्टेबल डिफ्यूजन की डायरेक्टरी में जाना है तो हम कर लेते हैं सी डी स्टेबल डिफ्यूजन यहाँ पे लिस्ट ओके सो हम वन स्टेबल डिफ्यूजन की होम डायरेक्ट्री में आ गए यहाँ पर हमने इसको स्टार्ट करने के लिए लिखना है डॉट स्लैश वेब यू आई डॉट शेल अब हम लोगों का स्टेबल डिफ्यूजन लॉन्च हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का स्टेबल डिफ्यूजन यहाँ पे लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जोन जोन से मॉड्यूल्स प्लेस किए थे जिस तरह एनी लोरा चेक पॉइंट वो यहाँ पे चेक पॉइंट वाली जगह पे आपको मिल जाएगा अगर आपको नहीं मिलता तो आपने ये रिफ्रेश बटन दबाना है तो उससे ये यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद आप लोगों ने आना है यहाँ पे लोरा मॉडल में और जो कोइनो का कोई टाची वाला आपने प्लेस किया है वो भी यहाँ पर मौजूद होगा तो आप इसको एक दफ़ा क्लिक कर देंगे जब आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा अब इसका मतलब क्या है कि ये इस चेक पॉइंट के ऊपर एनीमे स्टाइल अप्लाई कर रहा है वन सकेंड जो हम लोगों का कोइनो का टची वाला स्टाइल है ये वाला जो एनीमे स्टाइल है हम लोगों का ये अप्लाई हो रहा है इस चेक पॉइंट के ऊपर और वन का मतलब है कि 100% परसेंट अपलाई हो रहा है अगर वन की जगह हम लोग जीरो कर देते तो इसका मतलब है कि ये एनीमे स्टाइल बिल्कुल भी अप्लाई ना होता तो वन सकेंड हम इसको वन कर कि हम इसको 100% परसेंट अपलाई करना चाहते हैं अब मैं आपको बताता हूँ रियली क्विकली कि आप कुछ सेकेंड में किस तरह से इमेज जनरेट कर सकते हैं अब आप किस तरह का आर्टवर्क जनरेट करना चाहते हैं वो आप इस ए को बता सकते हैं एग्जैक्टली exactly यहाँ पे प्रॉम्पस वगैरह टाइप करके फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं अ टॉल मैन स्टैंडिंग तो आप ए को बता सकते हैं कि आप एग्जैक्टली exactly क्या ड्रा करना चाहते हैं लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है मैं आपको बताता हूँ कि आप एक सेकेंड में किस तरह से जनरेट कर सकते हैं आप हम इसको रिमूव कर देते हैं और आप सिविट ए आई पर वापस आ जाएँ इस वेबसाइट की बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि जो ये इमेज जोन से भी कीवर्ड्स को यूज़ करके जनरेट की होती है वो आप यहाँ पे इस आइकन को दबाएं तो ये वेबसाइट बता देती है कि ये वाली इमेज किन की कीवर्ड्स को यूज़ करके बनाई गई थी तो हम लोग जल्दी से कीवर्ड्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं आपने इस कॉपी बटन को दबाना है आपने दबा दिया तो यहाँ पर आके आपने कमांड वी या कंट्रोल वी विंडोज़ के लिए पेस्ट कर देना है यहाँ पर एक दफ़ा आपने पेस्ट कर दिया तो उसके बाद आपने इस बटन पर क्लिक करना है तो वो ये वेबसाइट खुद ही सारा कुछ सॉर्ट आउट कर लेगी अब हम लोगों ने वो सारे के सारे कीवर्ड्स और सेटिंग्स अप्लाई कर दी हैं जो कि यूज़ हुई थी इस इमेज को जनरेट करने के लिए तो हम लोग वापस यहाँ पे आ जाते हैं एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो अपस्केलर है वो अभी आपने लेटेंट कर देना है क्योंकि हमने अभी अपस्केलर डाउनलोड नहीं किया अगर आप लोग इमेज को अपस्केल करना चाहते हैं बहुत बड़े साइज की बनाना चाहते हैं तो आप लोग जाके इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं अपस्केलर तो अभी हम इसको सिंपली वन कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग जनरेट का बटन दबा देते हैं तो अब आप टर्मिनल पे देख सकते हैं हम लोगों ने जनरेट बटन दबाया है और एआई कुछ सेकंड में हमारे लिए इमेज जनरेट कर दी है तो वेर कैन वेट फॉर इट तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड में एआई ने हम लोगों के लिए कितनी ज़बरदस्त इमेज जनरेट कर ली है अब ये जो इमेज जनरेट हुई है आप ऑब्वियसली इसको अपस्केल कर सकते हैं बहुत ही बड़े साइज में भी कर सकते हैं अगर आपने इंटरनेट से अपस्केलर डाउनलोड किया हो तो लेकिन अभी के लिए हम इसको इतने साइज़ का ही रहने देते हैं आप सिविट ए पे कोई भी मॉडल डाउनलोड करने के लिए आएंगे तो आपने ख्याल रखना है उसके ट्रिगर वर्ड का अब ट्रिगर वर्ड क्या होता है इसका फॉर एग्जांपल ट्रिगर वर्ड है कोयनो का टाची। तो जब आप ये लफ्ज़ लिखेंगे इस जनरेशन प्रॉम्प्ट में सिर्फ तभी ये इस स्टाइल में इमेज जनरेट करेगा तो अगर आप लोग यहाँ से ये ट्रिगर वर्ड हटा देंगे तो एआई को समझ नहीं आएगी कि आप किस स्टाइल में इमेज जनरेट करना चाहते हैं तो ख्याल रखिएगा जब भी आप सीविट ए से कोई भी मॉडल डाउनलोड करें तो उसका ट्रिगर वर्ड का आपने खास ख्याल रखना है तो अब हम लोग जल्दी से इस प्रोम को चेंज कर देते हैं अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्रोम काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है तो इस बारी वन गर्ल है ब्लू शर्ट कैफ़े इंटीरियर ब्राउन हेयर तो जनरेट बटन पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि ए क्या जनरेट करती है तो लेट्स क्लिक ऑन दिस लेट्स ओपन अप द टर्मिनल और हम लोग देख सकते हैं कि टोटल प्रोग्रेस ए ने जनरेशन स्टार्ट कर दी है तो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ मोर सेकेंड्स और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है तो एज़ यू कैन सी ए ने कुछ ही सेकेंड में एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टवर्क क्रिएट कर लिया है हमारे लिए और हम देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है और ये डेफिनेटली कोयन और की क्वालिटी के साथ मैच करती है तो अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं स्टेबल डिफ्यूजन का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट जो है कंट्रोल नेटिंग बेसिकली कंट्रोल नेट को यूज़ करके आप इस तरह के आर्टवर्क से जनरेट कर सकते हैं इस तरह का आर्टवर्क कुछ ही सेकंड में एआई को यूज़ करके तो कंट्रोल नेट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने कंट्रोल नेट को डाउनलोड करना है डाउनलोड कैसे करना है बहुत ही सिंपल है आपने सबसे पहले एक्सटेंशन में चले जाना है और आपने अवेलेबल वाली टैब पर आ जाना है यहाँ पर आपने ये लिंक खुद ब खुद ही ऑटो होगी आपने बस लोड फ्रॉम दबा देना है अब ये जितनी भी एक्सटेंशन मौजूद हैं वो लोड कर लेगा आपने यहाँ पे लिख देना है कंट्रोल नेट इसमें आपने स्पेस नहीं देना आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आएगा एस टी वेब यू आई कंट्रोल नेट ठीक है आपने इस वाले को डाउनलोड कर लेना है ये वाला स्टेप आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा द मोर द मेरियर जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा यूज़ इंस्टॉल टैप टू री आपने जाना है इंस्टॉल टैप पे और यहाँ पे अब आप, आप देख सकते हैं कि एस टी वेब यू आई कंट्रोल नेट आ चुका है ये अगर अनचेक होगा तो आपने इसको चेक कर देना है और आपने कहना है एंड अप्लाई एंड री स्टार्ट ठीक है अच्छा अब हम लोगों का वेब यू दोबारा से लोड हो चुका है और हम लोग टर्मिनल को नीचे कर देते हैं हम लोग स्क्रोल करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि कंट्रोल नेट आ चुका है इसको आप एक्सपेंड कर लें यहाँ पे आप लोग अपनी कोई भी इमेज ड्रॉ करके ड्रॉप कर सकते हैं ये डिफरेंट सेटिंग्स को किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करना है कि अर्लियर इन द वीडियो हम लोगों ने कंट्रोल नेट का एक मॉडल डाउनलोड किया था अब डिफरेंट मॉडल्स का डिफरेंट यूज केसेज़ होते हैं और वो स्पेसिफिक किस्म के डेटा पर ट्रेंड होते हैं तो अगर आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करें तो आप लोग अपने स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए एक कंट्रोल नेट का मॉडल ढूंढ सकते हैं तो इस फाइल को अब अब हम लोगों ने जाना है एक फ़ोल्डर बैक आ, हम लोगों ने स्टेबल डिफ्यूजन वेब यू वाले फ़ोल्डर में आना है यहाँ पे एक्सटेंशन के फ़ोल्डर में जाना है यहाँ पे हम देखेंगे कि कंट्रोल नेट का एक फोल्डर बन चुका होगा क्योंकि हमने कंट्रोल नेट को अभी अभी इंस्टॉल किया है इस फोल्डर में चले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग मॉडल्स वाले फ़ोल्डर में जाके इसको प्लेस कर देंगे ठीक हो गया आ, हम लोग एक्सटेंशंस में आएंगे वंस अगेन एंड अप्लाई एंड स्टार्ट यूआई को दबा देंगे तो लेट्स जस्ट वेट फॉर इट टू लोड अब ये रीलोड हो चुका है तो लेट्स स्क्रॉल डाउन कंट्रोल नेट को एक्सपेंड करते हैं लेट्स सी कि यहाँ पे मॉडल्स में हम लोगों का मॉडल अब अपीयर हो चुका है तो इस पर क्लिक कर लेंगे अब प्री प्रोसेसर वंस अगेन आपके स्पेसिफिक यूज केस के लिए डिपेंड करेगा बट फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो हम लोग प्री प्रोसेसर यूज़ करेंगे स्क्रिबल डॉक ये वाला प्रियो प्रोसेसर हम लोग यूज़ करेंगे और वंस आपने ये वाली सारी सेटिंग्स कर ली हैं आप लोग किसी भी किस्म का लाइन आर्ट बना के यहाँ पे ला सकते हैं तो लेट्स जस्ट ओपन ड्राइंग सॉफ्टवेयर रियल क्विक अच्छा अब आप लोग देख सकते हैं कि क्लिप स्टूडियो पेंट ओपन हो चुका है आपको स्पेसिफ़िकली ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना आप कोई भी अपनी चॉइस का ड्रॉइंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं बट आई प्रेफर टू यूज़ क्लिप स्टूडियो पेंट तो एज़ यू कैन सी मैंने बहुत जल्दी से ये एक आर्टवर्क क्रिएट किया है और इस आर्टवर्क को अब एक्सपोर्ट करते हैं और हम ए को ये आर्टवर्क फीड करेंगे तो यू नीड टू एक्सपोर्ट दिस आर्टवर्क इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं पी फॉर्मेट में तो अब मैंने अपना डाउनलोड फोल्डर ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं आर्ट वर्क को पकड़ के जो अभी अभी हमने ड्रा किया है कंट्रोल नेट में ड्रॉप कर देता हूँ अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमने ए आई को एक बेसिक सी डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये आर्ट वर्क किस तरह का है तो हम लोग ऊपर आके इस आर्ट वर्क के बारे में डिटेल लिख देते हैं तो अब मैंने एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है इस आर्ट वर्क के बारे में तो लेट्स यूज क्लिक ऑन जनरेट रियल क्विक और देखते हैं कि ए आई इसका क्या बनाती है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ए ने इस लाइन आर्ट को एग्जैक्टली exactly फॉलो किया है और जो मैंने ऊपर इसको प्रॉम्प्ट में बताया था कि गोल्डन हेयर बनाने हैं रेड ड्रेस बनाना है अपर बॉडी पोज और ये सारा कुछ ए उसको एग्जैक्टली टू द टी फॉलो कर रही है एंड दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग अबाउट कंट्रोल नेट आप एक रफ सा लाइन आर्ट बना सकते हैं गंदी मंदी ड्रॉइंग बना सकते हैं ए आई को जितनी ज़्यादा डिटेल दे आईडी ली उतनी ज़्यादा बेहतर है और ए आई उसको क्लीन अप करेगी और उसके अंदर कलर्स वगैरह फिल कर देगी आपके डिज़ायर स्टाइल में नव दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू एनीमे स्टाइल ओनली आप इसे रियलिस्टिक इमेज भी बना सकते हैं आप इसे लैंडस्केप्स भी बना सकते हैं आप इसे आर्किटेक्चुरल ड्राॅइंग्स भी बना सकते हैं तो हम लोग इसको कोई ना कटाची के स्टाइल में कन्वर्ट करते हैं रियल क्विक तो लेट्स मोबाइल मॉडल राइट नाउ यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश रीफ, करेंगे तो यहाँ पे कोइनो का अटाची का ऑफसेट आ गया है अब हम जनरेशन पे वापस आ जाते हैं अब हमने इस पर कोयनो कटाची का आर्टवर्क का, आर्ट का स्टाइल लगा दिया है अब हम इसको जनरेट पे क्लिक कर देते हैं वंस अगेन और यहाँ टर्मिनल में आप लोग देख सकते हैं कि ए ने वंस अगेन इमेज जनरेशन स्टार्ट कर दिया है तो हमने कोयनो का अटाची का वन पे ऑफ सेट लगाया था तो अब आप इस इमेज को डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं लास्ट इमेज के साथ जो हमने जनरेट की थी दिस इज डेफिनेटली मोर क्लोजर टू दिस एनीमे आर्ट स्टाइल ठीक है तो नाउ टू क्विकली शो यू द पावर ऑफ कंट्रोल नेट हम एक घर की ड्राइंग बना के इस ए आई को फीड करते हैं और देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है तो लेट्स यू क्लोज दिस रियल क्विक तो हम लोग जल्दी से एक घर की ड्राइंग बना लेते हैं यहाँ पे लेट्स यू से एक्सपोर्ट दिस ड्रॉइंग रियल क्विक एंड फीड यू टू कंट्रोल नेट और देखते हैं कि वो इसका क्या बनाता है तो so मैंने एक और आर्किटेक्चर का लोरा मॉडल डाउनलोड किया तो इसको आपने स्टेबल डिफिजन में मॉडल्स में जाके आपने रेवेंट फोल्डर में इसको पेस्ट कर देना है तो लेट्स जस्ट डू दिस रियली क्विक अब आपने वेब यू आई वापस आना है और आपने एक दफ़ा इसको रीलोड कर लेना है हम लोग यहाँ पे जाते हैं और एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मॉडल यहाँ पे आ चुका है तो अब हम लोग इसका कीवर्ड रियली क्विकली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसका ट्रिगर वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है अच्छा और अब हमने जो अपनी आर्किटेक्चर की ड्राइंग बनाई है रियली really क्विकली वो ड्राइंग इस एआई को फीड कर देते हैं तो लेट्स ओपन अप और डाउनलोड्स और ये ड्राइंग मैंने अभी बनाई थी ये इसको फीड कर देते हैं अब हम लोग इस हाउस के बारे में जितनी ज़्यादा डिटेल्स एआई को दे सकते हैं वो देते हैं तो लेट्स जैसे वुडन हाउस तो ये हम लोगों ने डिटेल्स ए को फीड कर दी हैं तो लेट्स क्लिक ऑन द जनरेट बटन रियली क्विक और हम लोग टर्मिनल में आके देख लेते हैं के ए ने जनरेशन स्टार्ट कर दिया तो लेट्स सी वट ए आई कम्स विद नाट द मोस्ट क्रेजी थिंग अबाउट दिस इज़ के आप लोग मल्टीपल लोरा मॉडल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं तो हमने यहाँ पे कोइनो कटाची भी ऐड कर दिया है और हम लोग इसका भी ट्रिगर वर्ड ऐड कर देते हैं कोइनो कटाची ठीक हो गया और हम लोग बीच में एनीमे भी एंटर कर देते हैं तो अब हम लोग रियली क्विकली जनरेट करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है तो यहाँ पे मैंने स्टेबल डिफ्यूजन का चेक पॉइंट बदल दिया है तो लेट्स सी के रियलिस्टिक विजन चेक पॉइंट के साथ किस तरह का रिजल्ट आता है तो ये थोड़ा सा रियलिज्म की तरफ ज़्यादा लीन करेगा एआई इस बार ही क्योंकि मैंने चेक पॉइंट चेंज कर दिया है और ये इन मॉडल्स का मैंने वेट भी बीच भी में ऐड किया है तो वो आर्किटेक्चरल टेस्ट भी डेफिनेटली होगा और थोड़ा बहुत एनीमे टेस्ट भी होगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये आर्टवर्क पिछले आर्टवर्क से कितना ज्यादा डिफरेंट है तो आप इस तरह डिफरेंट मॉडल्स को मर्ज कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक तो आई होप कि इससे आपको कंट्रोल नेट और स्टेबल डिफ्यूजन की पावर का अंदाजा होगा अब आप इसको यूज करके किसी भी किस्म का आर्टवर्क जनरेट कर सकते हैं आप गेम डिजाइन बना सकते हैं आप लैंडस्केप बना सकते हैं या कॉन्सेप्ट आर्ट बना सकते हैं सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो आई रियली होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन पीस